नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला के चैनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर धरना। चैनपुर प्रखंड पंचायत मुख्य चुनाव में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर आज गुरुवार को चैनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में मुख्य प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। मुख्य प्रत्याशियों की मांग थी कि चैनपुर पंचायत मुखिया पद के लिए हुए चुनाव में मतों का अंतर काफ़ी कम है और हमें शक है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर हम रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि चैनपुर की विजेता मुख्य प्रत्याशी शोभा देवी को 417 मत, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आशा पूनम मिंज को 407 मत व उषा कुमारी को 399 मत प्राप्त हुए हैं। मतों का अंतर कम देखते हुए आशा पूनम मिंज, दीपशिखा मिंज, सुचिता खुजूर इन तीन प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों ने प्रखंड कार्यालय में धरना देते हुए मेन रोड को कुछ समय के लिए जाम कर दिया और रिकाउंटिंग की मांग करने लगे। इसके बाद चैनपुर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ जाम स्थल पहुंचकर लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। इधर लोगों की भीड़ को देख प्रखंड कार्यालय में मौजूद एसडीओ प्रीति किस्कू ने मुख्य प्रत्याशियों को नियम के अनुसार आने की अपील करते हुए कहा कि नियम के अनुसार आवेदन दें। गुमला संवाददाता राजन पांडे की रिपोर्ट। हम रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं ना, हम मेरा जो वोट संख्या बहुत ज्यादा था, अचानक कैसे कम हो गया? कैसे कम हो गया, इस पे आपको क्या कहना? बेंदोरा पंचायत वालों को अंदर अथी ले गया, उसके बाद में हम लोग को बाहर निकाल दिया और घोषणा ही नहीं हुआ था उसी समय हम लोग को निकाल दिए ना। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मेरा बहुत ज्यादा नंबर था और अचानक कैसे ऐसा आउट कर दिए। आप कितना वोट से नीचे हैं? हम 10 वोट से नीचे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है आशा पूनम मिंज। मुखिया पद के हैं चैनपुर पंचायत, चैनपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत के दो प्रत्याशी के द्वारा यहाँ पर पुनर्मतगणना किया आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। इनका कहना है कि वो मतगणना के दिन ही उन्होंने आरओ को भी दिया था, लेकिन आरओ ने उनकी बातों को नहीं सुना और कहा कि जो मतगणना हुई है वो सही हुई है। तो जो हमारा अनुमंडल कार्यालय है, अनुमंडल पदाधिकारी के पास वो लोग अपील पर आ सकते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग का हमारा निर्देश प्राप्त है, तो उसी के तहत उन्होंने आज मेरे यहाँ आवेदन दिया है अपील की प्रक्रिया के लिए कि वो पूरा मतगणना चाहते हैं। तो जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है वो हम लोग करके दोनों पक्षों को नोटिस देके फिर आगे की जो भी कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे, और अगर पुनः मतगणना की आवश्यकता लगती है तो फिर जो विधि सम्मत उसका जो प्रोसेस है उस हिसाब से पुनः मतगणना के दिशा में आगे बढ़ेंगे।